टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे थे तो एक और प्लेयर की तरफ चलते हैं। आज अनाउंसमेंट सडनली ट्विटर पे, मोहम्मद आमिर एकदम से आए और ट्विटर पे उन्होंने ये वीडियो लगा के अनाउंस किया है कि मैंने, मेरी बॉडी अब इस काबिल नहीं है जो 5 साल पहले थी। उस जमाने में मेरे पास एनर्जी थी, जो मुझे गैप आया है उसके बाद मैं उस रिदम में और उस फिटनेस लेवल पे नहीं रहा। बहुत बड़ा गैप होता है लगी 5 साल प्लेयर का। नो डाउट ही वाज राइट, ही वाज डेफिनेटली राइट, और वो माइंडसेट के साथ उसने वो वीडियो शेयर की करी है। अगर आप उसको सुनोगे तो डेफिनेटली आप ये फील करोगे कि यस इट्स अ टाइम, वो खुद ही कह रहा है दैट इज द बेस्ट टाइम, सो दैट कि वो उसने फोकस रखा हुआ है कि मैं T20 के लिए रेडी हो रहा हूँ। तो डेफिनेटली एक रास्ता चुना है उन्होंने और वो फॉलो करेंगे उसको। या अच्छा, ये इसका रिकॉर्ड है। पहले मैं फरूख भाई की तरफ जाऊंगा, इससे पहले शेयर कर दूं, 36 टेस्ट मैचेस मोहम्मद आमिर ने खेले, 119 विकेट लिए। जस्ट सो यू नो, ही वाज द यंगेस्ट प्लेयर टू टेक ये फास्टेस्ट 50 विकेट्स। 14 टेस्टों में 50 विकेट्स कंप्लीट की थी वो बैन पे जाने से पहले ही, बहुत क्विकली करी थी इसने। आखिरी 6 मैचों में सिर्फ 17 विकेट लिए हैं। अगर आप उस हिसाब से रिकॉर्ड देखें तो 30 मैचों में 101 विकेट काफी होती हैं। तो ODIs के रिकॉर्ड आपके सामने ही है और टेस्ट मैच में 30 की एवरेज नॉट बैड, स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा था, हर 10 ओवर 11 ओवर में विकेट लेता था। इकोनॉमी तो आउटस्टैंडिंग है, 4-5 विकेट हॉल्स और 6 जो है वो 4 विकेट हॉल्स लिए हुए और बेस्ट विकेट 7/64 जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में ली थी। तो ये बड़ा आउटस्टैंडिंग टेस्ट करियर। बहुत अफसोस है मुझे कि मेरा तो बड़ा अच्छा बॉलर है, ऐसे बॉलर की होती है। फरूख भाई आपने भी फॉलो किया है मोहम्मद आमिर को, कितना लॉस हुआ होगा पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान के पास हैं इस वक्त बॉलर्स रैंक में या ये इतना बड़ा लॉस नहीं है, आप क्या कहते हैं? अच्छा, फास्ट बॉलर का तो पूरी दुनिया में कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान में फैक्ट्री लगी हुई है बिल्कुल सही बात, लेकिन ये कि स्पेशल टैलेंट बिल्कुल है, आमिर स्पेशल टैलेंट था और है भी। टेस्ट मैचेस में एक्चुअली देखें, आजकल क्रिकेट बहुत ज्यादा होगी ठीक है, और खासतौर पर T20 और वनडे और डिफरेंट लीग्स में खेलना जाकर, और T20 की लीग्स में खेलना, वनडे लीग्स में खेलना, तो वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया। मोहम्मद आमिर ने भी तकरीबन अब से 6-8 महीने पहले पाकिस्तान की जो बोर्ड थे उनके साथ बात की थी कि जी मेरा वर्कलोड जो है वो बैलेंस किया जाए थोड़ा सा, तो उसी हिसाब से वो कुछ मैचेस छोड़ भी रहे थे। अच्छा, सबसे मजे की बात है जब से वो वापस आए खासतौर पर टेस्ट में उनकी बॉलों पर कैच बड़े ड्रॉप हो गए। ये बात तो 23 कैचेस का दीवाना हूं और ये तो मैंने ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भी ये बात करी थी कि आमिर पहली बॉल पे विकेट निकालने वाला बॉलर है और वो कैचेस दिलाता रहा, वो छोड़ते रहे तो उसका तो एवरेज तो खराब दिखेगी ना, वही हुआ। नहीं, उसके बावजूद भी अगर हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत ही अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं कामरान मुजफ्फर जो क्रिकेट के नाम से करते हैं, तो उन्होंने आमिर का केस बनाया था पूरा जब उनकी सिलेक्शन नहीं हुई थी वर्ल्ड कप में, तो लोगों ने कहा जी, तो उसमें यह हुआ कि आमिर जितने बॉलर सिलेक्ट हुए थे पिछले एक साल के अंदर उन तमाम से उनका एवरेज भी अच्छा था और विकेट स्ट्राइक भी अच्छा था प्लस, ठीक है, और वो फर्क भाई उसमें 50 कैचेस छूटे थे। चले वो एक अलग बात है, जो देखें क्या होता है कि स्कोर बुक के ऊपर ना ये किसी को याद नहीं रहता, हमें भी 2 साल बाद याद नहीं रहेगा कि जी कितने कैचेस छूटे थे, ठीक है ना। जब बैट्समैन स्कोर करता है तो वो चांस नहीं लिखे जाते उसके ऊपर, राइट। जो टीम में खेल रहे हैं वो भी प्रोफेशनल है और जो टीम छोड़ के जा रहे हैं वो भी प्रोफेशनल है, तो बेसिकली आई थिंक इट्स डिपेंडिंग के हो सकता है फैमिली कमिटमेंट हो और अपना वर्कलोड वो बेहतर करना चाह रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे करूंगा, आमिर आया 5 साल के गैप के बाद, 3 साल से नॉन स्टॉप क्रिकेट खिलाई है, UAE में हर मैच खिलाया है जो बड़ी टफ कंडीशंस है, क्या मिस हैंडल किया है मैनेजमेंट में? हो सकता है उस वक्त जरूरत हो, क्योंकि देखिए उमर जब आमिर वापस आया तो उमर गुल का जो करियर था वो प्रीटी मच खत्म हो रहा था राइट, फिर इमरान खान जूनियर आए वो भी थोड़ा ऐसा रहे फिर वो चले गए, तनवीर अहमद आए उनको यूज नहीं किया सही तरीके से पाकिस्तान बोर्ड ने, ठीक है ना, बड़ा डायनेमिक बॉलर बहुत अच्छा था और बड़े पीक पे था। बड़ा कम ऐसा होता है कि आप एक पूरा सीरीज बहुत अच्छा खेल के जाओ और अगली सीरीज में आपको अचानक बाहर कर दिया जाए। भाई 6 मैचों में 30 विकेट कम नहीं होती और उसके बाद बंदा गायब हो जाए, तो वो 250 भी मार, और मेरे ख्याल में आमिर आए भी लेट थे और बैन के बाद वापस आए थे, तो उन्होंने शायद ज्यादा जान मारने की कोशिश की, ज्यादा मेहनत की, होता है ना आदमी ज्यादा प्रूव करना चाहता है, तो बहरहाल जो भी उन्होंने करियर था बड़ा अच्छा करियर,
हमारी तो दुआ है कि वो अगर मैनेज कर सकें तो वापस आके खेलें, और आई एम नॉट श्योर, हो सकता है किसी के कोई हमको अगर कोई दिलासा दे या कोई हिम्मत दे तो शायद वापस आ जाए, वरना ये कि T20 और वनडे में तो अवेलेबल है आपके लिए। 27 साल एज है, बहुत टाइम है अभी आमिर के पास। एग्जैक्टली ये तो 27 साल हमारे बुक पे लिखी भी ना, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि उनकी एज क्या है। शायद अफरीदी की तरह, शायद अफरीदी की तरह चाहिए भाई, यहीं पे है, पिटाई करेंगे अभी, बाद में बात करेंगे इस पे। आप मिल लीजिएगा। लेकिन तुमसे सवाल है, क्या इंडिया जो है वो इस मामले में बड़ा लीड बाय एग्जांपल कर रहा है? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े अच्छे दिए हुए हैं, हर बॉलर हर प्लेयर को वो खेलने नहीं देते, दूसरी लीग है, बड़ा मैनेज कर रहे हैं, इसकी वजह से प्लेयर बड़े फ्रेश आते हैं और बैक जो बेंच स्ट्रेंथ भी बन रही है। पाकिस्तान के पास जैसे फर्क बने का इतना टैलेंट है बॉलिंग का कि मेरे ख्याल में ये हर मैच में चार नए बॉलर खिलाए तब भी फर्क न पड़े, लेकिन फिर भी बड़ा जोर डाला गया आमिर पे। अच्छा एक एक्चुअली कमेंट आया है हमारे सैयद आमिर रजा है, जो हमारे स्पोर्ट्स ट्रेंड के रिपोर्टर भी हैं और पिक्चर्स भी बड़ी अच्छी खींचते हैं हमारे साथ, G20 में होते हैं। तो मैं दो लोगों का खैर वैसे जिक्र कर दूं जल्दी से, एक तो सैयद आमिर रजा, दूसरे उज़ैफा शाहिद, हमारे बहुत अच्छे फोटोग्राफर है। और ये आमिर का जो आप पढ़ सकते हैं कि आमिर कह रहे हैं कि भाई पीसीबी हैज इन्वेस्टेड अ लॉट इन आमिर एंड दिस इज नॉट द टाइम टू रिटायर फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट। तो बिल्कुल हमारा कमेंट देना हमारा भी हक है, सबका हक है, लेकिन जो असल में कहते हैं ना कि जो जिसके ऊपर गुजरती है उसको ही पता होता है कि वो क्यों कर रहा है। हो सकता है कि कोई इमोशनल प्रेशर हो या कुछ इस तरह, और एक आध दिन में जो है वो हो सकता है जो ग्राउंड में जरा बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और पिक्चर्स जो आप लोगों ने देखी जो हमने लगाई है ओपनिंग गाला की, तो वो आमिर और हुज़ैफा ने काफी मेहनत से खींची थी, और मजीद आज की पिक्चर्स भी जो है वो इंशाल्लाह ताला हम रात को या कल लगाएंगे और आप लोग एंजॉय करेंगे। और ये पैशन ही है क्रिकेट का जिसकी वजह से हर चीज बढ़ती है और आगे बढ़ती है। तो सही कह रहे हैं आप आमिर का, लेकिन यही है कि मतलब होपफुली 27 का टाइम बहुत है, क्या पता साल भर का ब्रेक मिले, क्या पता वो पैशन जागे दोबारा, और पाकिस्तान का टेस्ट भी काफी दिनों तक नहीं है लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू होने वाली है, क्या पता वो चीज दोबारा इग्नाइट करे उस इंटरेस्ट को। लेकिन पाकिस्तान के पास जैसे फारूक भाई कह रहे हैं बहुत बॉलिंग टैलेंट पड़ा हुआ है। तो आज मैं सुन रहा था राशिद लतीफ को, तो वो ये कह रहे हैं कि अब टाइम है कि शायद वापस जुनैद खान को लाया जाए या मीर हमजा को ट्राई किया जाए, बहुत ही आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर्स हैं लेफ्ट आर्मर्स। तो ये तो लगी इंडिया में क्या होता है, इंडिया में किस तरह मैनेज करते हैं, तुम क्या देखते हो इंडिया का? सलमान अभी का जो अभी तो ना बोले, जितनी ज्यादा इन्होंने IPL के थ्रू एक फॉर्मेट तैयार कर लिया ना, उसके अलावा हम सिर्फ एक ही चीज नोटिस कर रहे हैं कि कभी कभी जो टेस्ट हम बाहर खेलना चाहते हैं तो हमारे जो चेतेश्वर पुजारा हो गए, रहाणे हो गए, इनका जब बल्ला नहीं चल रहा होता था तो इनकी मैनेजमेंट ने, BCCI ने इनको अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि इंग्लैंड के जाके काउंटी खेल लो। अच्छा, दैट्स इट। तो एक मतलब BCCI ने इनको ऐसा सपोर्ट किया हुआ है कि IPL के थ्रू जो आपका पैटर्न बना है वो बना है, ODPs इनको अच्छे खासे मिल रहे हैं, ODIs, राइट। अब जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है जहां से आपके सारे के सारे प्लेयर एक लेवल पे आ जाते हैं, तो वहां पे इन्होंने अपॉर्चुनिटी ये भी दी रखी है कि हाँ अगर आपको स्विंग की प्रॉब्लम आ रही है विद इन इंडिया ऑल्सो, है ना, तो आप जाके काउंटी खेल लो। तो रास्ते बना दिए इन्होंने, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है इनको, उनकी मोरालिटी ऐसी होगी कि भाई बोर्ड दे रही है, उनकी कैटेगरी ऐसी होगी कि करोड़ों में उनको डील करा दी है पहले ही। अब 18 साल का बच्चा अभी से करोड़ों रुपया कमा रहा है, तो डेफिनेटली वो रास्ता दे दिया गया है ना, साफ सुथरा रास्ता कि भाई पैसे कमाओ लेकिन टैलेंट के हिसाब से। तो वो बेस बन चुका है, वो पहले की तरह जो इंडिया में होता था कि महाराष्ट्र के 4 या 5 बंदे सिलेक्टेड है जी वो आएंगे, अब ऐसा नहीं है, अब ऐसी कंपटीशन आ गई है कि डेफिनेटली जो है जो दिखता है वही बिकता है। यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वो राजा बनेगा, जो हकदार होगा डेफिनेटली। आपका कोई कमेंट? नहीं कमेंट नहीं, मैं इंडिया में जब बात कर रहे थे तो उसमें MRF पेस फाउंडेशन जो है उन्होंने बड़ा काम किया और बड़ा अच्छा टैलेंट उन्होंने वहां से निकाला है। और देखिये एक तो खास तौर पे जो विकेट का होता है ना, हमारे यहाँ पंजाब साइड और पख्तूनख्वा साइड पे विकेटें बहुत तेज होती हैं। अच्छा, कराची से फास्ट बॉलर बड़े कम निकलते हैं, सीमेंट की पिच पे कहाँ निकलते हैं? नहीं अब तो सीमेंट खत्म हो गया है सलमान, कराची में बहुत कम सीमेंट रह गई, 20 साल हो गए जी, तो कराची में बहुत कम रह गई, ट्रफ बहुत बेताश हो गई, लेकिन पंजाब में हमेशा से ट्रफ बहुत रही है।
अच्छा हमेशा से, और ग्रास होती थी, डाइवे मारने का वहां मजा आता था, करांची में तो बजरी होती थी, घुटने चल जाते थे। तो इसलिए आप देखें कि हमेशा, अच्छा पख्तूनख्वा में जो आप देखें जितने फास्ट बॉलर जो पठान है, क्योंकि वो फिजिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल धत्ती होते हैं, इवन कराची में भी, लेकिन कराची के जो फास्ट बॉलर निकले हैं, इवन पठान भी अगर अनवर अली आए थे एज अ बॉलर, लेकिन वो फिर सस्टेन नहीं कर पाए, सोयल इंजरीज होती चली गई, ठीक है ना। लेकिन बाकी जगहों के जो एनडब्ल्यूएफपी के जो भी और पख्तूनख्वा के जो बॉलर हैं वो अच्छे। इसी तरह इंडिया में भी ये कि बैटिंग विकेट ज्यादा होती है इंडिया में, जब भी आप बॉलिंग विकेट बनाएंगे तो लड़कों को हौसला मिलता है। ये एक मेरा छोटा सा कमेंट है, लकी को ज्यादा पता है इंडिया के बारे में, तो मोमेंटम बना के रखा था जिसका फल इनको मिल रहा है डेफिनेटली। जो छोटे जगहों से आते हैं ना, जिनकी मतलब पैरवी करने वाला कोई नहीं होता, तो वो अब इस रास्ते पे चल के अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, और डेफिनेटली एमआरएफ का नाम ही इतना बड़ा कि उन्होंने स्पॉन्सरशिप इतनी बड़ी रखी हुई है कि बस आप में अगर क्वालिटी है तो हम आपको ग्रूम कर देंगे। तो ये चीजें अब इंडिया को बहुत काम कर रही हैं। पहले तो बैटिंग लाइनअप होती थी, अब सपोर्ट मिल गई है उनको बॉलर्स की, इसीलिए क्योंकि ये बना दिए गए ना, रास्ते निकाल दिए गए हैं कि आप आओ, अगर टैलेंट है तो हम आपको ग्रूम करेंगे। लकी थोड़ा बात करें एमआरएफ वालों से यार, एक आध फाउंडेशन यहाँ भी लगा दें कनाडा में, जो लोकल एसोसिएशन है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और उम्मीद करते हैं कि मजीद अच्छा काम करें। G20 वालों ने बड़े वादे किए हैं कि वो they will do something, you know, और उनका 25 साल का उनका प्रोजेक्ट है, और वो यकीनन मेहनत कर रहे हैं। दिलीप वेंगसरकर को लेके आए थे लास्ट ईयर, इस दफा भी उनके काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा मजे की बात है, हम जब रेड कार्पेट कर रहे थे तो अशद पटेल ने ऑलरेडी बताया कि जो अगले साल का G20 है वो जल्दी है, वो जून में। क्या बात है, तो बाय द टाइम हम अगस्त में ये खत्म करेंगे, और उसके बाद तकरीबन आपके पास ज्यादा महीने नहीं है कि आप दोबारा जो है वो जून में ही G20 सीजन 3 जो है वो देखेंगे। अच्छा, और जून का वेदर भी बड़ा अच्छा होता है, ये बिल्कुल वर्ल्ड T20 आ रहा है अगले साल, उसके आसपास का है ये जून का टाइम, वर्ल्ड T20 ना, मतलब बिल्कुल आसपास का टाइम है, तो ये फिर एक जुलाई में बड़े G20 ऑस्ट्रेलिया में, राइट? हां जी हां जी, इस बार ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि जुलाई में वहां पे सर्दियां शुरू हो जाएंगी, वो बिल्कुल, हां जी बिल्कुल अपोजिट है। मेरी गलती है, मैं गलत पड़ गया, नवंबर में, मार्च कब, अक्टूबर नवंबर में है वर्ल्ड T20, अभी डेट नवंबर उनका समर शुरू होने वाला है, उनकी गर्मी हो जाएगी, हाँ जी ऑस्ट्रेलिया में, ये सही है। ये फिर ज्यादा फायदा है ग्लोबल T20 के लिए कि 3-4 महीने की गैप है, तो शायद बड़े नाम फिर से आ जाएं। थैंक यू आमिर भाई, अक्टूबर, आमिर भाई ने भी कंफर्म किया अक्टूबर में है, सही है। आमिर बहुत जो है ना वो गौर से देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया, कल फिर रिकॉर्ड लगाएंगे मेरा कि आप लोग क्या बातें करते हैं। टाइम ऊपर हो गया, लेकिन डिस्कशन इतना अच्छा हो रहा था कि मैंने आप लोगों को रोका नहीं, टाइम ऊपर हो गया हमारा थोड़ा सा, लेकिन ये कि शो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, स्पोर्ट्स ट्रेंड पे आज 11:30 बजे टोरंटो टाइम, कल 12 बजे टोरंटो टाइम, और 5 बजे टोरंटो टाइम रिपीट भी होगा, तो आप लोग देखते रहें, जुड़े रहें, और स्पोर्ट्स ट्रेंड का पेज भी लाइक करें, और उस पर जाके आप अपने कमेंट्स भी छोड़ सकते हैं वीडियो पे, वीडियो वहाँ पे मौजूद होगी फेसबुक पे, आप लोग अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं, अगर आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहें हमारे से अगले शो के लिए, वी विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ देम। तो कोई फाइनल वर्ड लकी आपकी तरफ से, जुड़े रहें, सब्सक्राइब करते रहें, सारी इन्फॉर्मेशन हम पहुँचाते रहेंगे थ्रू स्पोर्ट्स फ्रेंड्स एंड बादशाह, बस वीकेंड इंजॉय करें, टोरंटो वाले स्पेशली, अच्छे मैचेस आ रहे हैं सैटरडे संडे को, बिल्कुल, तो एंजॉय करें ग्लोबल T20, विल सी यू टुमारो इवनिंग। फरूख भाई आप क्या कहते हैं? मैं भी बिल्कुल यही कहूंगा कि जी वीकेंड एंजॉय करें और ग्राउंड में जाके एंजॉय करें, टिकट प्राइस में वो काफी रीजनेबल है और मैचेस बड़े अच्छे होंगे। फरूख भाई कुछ पता है कुछ प्राइसेस का? मुझे एग्जैक्टली नहीं है, बट आई थिंक जो सिल्वर वाले टिकट है वो काफी, आई थिंक अराउंड $20 से कम के। अच्छा हाँ, तो ये तो बहुत आला काम हो गया, अच्छी इंटरनेशनल क्रिकेट मिल रही है आपको। हाँ बिल्कुल, यानी कि आप एक जो 4 मैच होंगे उसमें आप टॉप ऑफ द T20 जो है वो खेल रहे होगी कल सैटरडे को। अच्छा, और ब्रैम्पटन जो ब्रैम्पटन 20 जो है वो भी जो है वो नेक्स्ट संडे का भी गेम है उनका, तो शायद अफरीदी को आप 2 दिन देख सकते हैं, इस तरह भी होगा वो भी वीकेंड्स में, ये भी सही है, उम्मीद है कि वो भी दिखाने के लिए रुके थोड़ा विकेट पे, लेकिन आगे अल्लाह मालिक है।
नहीं उनका काम ही बुम बुम वाला, वो दो चार छक्के ऐसे लगाएंगे कि बॉल घूम जाएगी और जनता खुश, वो भी खुश। सही बात, सही बात। ठीक है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं फैशल शहजादा, उन्होंने ये कमेंट किया है कि नाइस और फैशल शहजादा जो है वो एक बड़ी अच्छी स्पोर्ट्स कंपनी है, वो चलाते हैं यहाँ पे और बड़े ही काइंड हार्टेड आदमी है और जबरदस्त आदमी है उनके, और तारीफ हम करेंगे जब हमें वो नेक्स्ट मैच में प्रोग्राम में स्पॉन्सरशिप देंगे वो। और जाके वो यूट्यूब पे भी हमें सब्सक्राइब करें फैसल भाई, फिर इंशाल्लाह आपको और लाएंगे शो में। ठीक है जी, तो कल हाजिर होते हैं, होपफुली कल मजेदार मैचेस होंगे दो, और भी क्रिकेट वर्ल्ड की न्यूज होगी हमारे साथ, उसको भी शामिल करेंगे, लेकिन कल होप ये है कि अच्छे बड़े बड़े प्लेयर्स शामिल हो रहे हैं तो अच्छे और मजेदार मैच होंगे। फरूख भाई कल इरादा आपका है जाके देखने का, तो फिर आपसे कुछ चीजों को आप नहीं कंट्रोल कर सकते, तो वो ऐसा कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ताला कल जो है वो आपको पूरे गेम देखने को मिले। और बड़ा अर्ली स्टेज है अभी टूर्नामेंट का, दूसरा दिन ही था। हाँ, और आई थिंक प्लेयर्स भी ऐसा ऐसा पहुंचने शुरू हो रहे हैं, तो प्लेयर्स जब सारे पहुंच जाएंगे तो मैचेस बड़े अच्छे हो जाएंगे, फिर कुछ मैच कुछ प्लेयर्स आ रहे हैं कुछ प्लेयर्स जा रहे हैं। मुझे जो अच्छी बात लग रही है दोबारा वही कि मैं 15 सेकंड लूंगा कि कैनेडियंस प्लेयर को ज्यादा से ज्यादा मौका मिल रहा है, ये अच्छी बात है। बॉल भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, हमजा तारिक ने आज कीपिंग भी बहुत अच्छी की है, बैटिंग में आखिर में उन्होंने किया, तो यू नो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स आई एम हैप्पी फॉर ऑल द कैनेडियन गाइस, कैनेडियन प्लेयर्स यार। और आई थिंक एंड ऑफ द डे जैसा भी टूर्नामेंट हो, फायदा कैनेडा क्रिकेट का ही है, इससे होना चाहिए और हो रहा है यकीनन। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन डॉक्टर के हिसाब से अगर वो 25 साल की बात जो फारूक भाई ने बताई थी, इट्स अ वे वे लॉन्ग एक प्लान, बड़ा प्लान है, तो शायद इन 25 सालों के अंदर बहुत ज्यादा ना लेकर टाइम, अगर ये कंटिन्यूअसली ऐसे चलता रहा तो डेफिनेटली क्रिकेट 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपकी क्रिकेट जरूर बढ़ेगी। हाँ, बर्फ पिघल जाएगी और लंबे ग्राउंड नहीं, वो एक ये जल्दी वो कभी और बात करेंगे, क्योंकि मैं हमारा तो प्रपोजल है बहुत अरसे से कि जी आप लाइटें लगा दें, हाँ, तो आपका जो सीजन है वो बड़ा हो जाएगा। दो अभी सिर्फ 2 दिन क्रिकेट होती है, आप लाइट लगा दो आपका 7 दिन की सीजन हो जाएगा, शाम को काम खत्म होने के बाद भी बंदे जाके देख सकते हैं, देख सकते हैं, खेल सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। सलमान जी काफी 50 मिनट हो गए भाई, लोग बोर हो जाएंगे भाई, हम तो बातें लग जाते हैं मूड में तो बंद ही नहीं होती। ठीक है जी, कल मुलाकात होती है फिर से 10 बजे, फिर मिलते हैं, हमारी तरफ से गुड बाय बाय।